बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में पुलिस बिचौलिया आपराधी गठजोड़ के अनूठे खेल सामने आ रहे हैं, जिसके सामने जिले के तमाम सोशल एक्टिविस्ट तथा न्याय के लिए दौड़ लगाने वाले पीड़ित परिवार दम तोड़ चुके हैं। नीतीश सरकार की शासन व्यवस्था को ठेगा दिखाने वाले अधिकारी भ्रष्टाचारी सरेआम डंके की चोट पर लगातार प्रायोजित योजनाओं पर सरकारी संपदा को लूट पर डंका बजा रहे हैं और चुनौती देते हुए कहते हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार कल्याण कार्यकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास करने वाले लोगों एवं उनके परिवारों के ऊपर आने को मुकदमे लाद दिए गए हैं, जहां निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर तथा सरकारी कार्यालयों में दबंग किस्म के बिचौलिए लुटेरे वर्ग का बोलबाला है। लूट की राशि के बंटवारे को लेकर उत्पादन विवाद में जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा यदा कदा कार्यवाही होती है। इसके बावजूद निर्बाध गति से लूट जारी है। जिले के नवीनगर प्रखंड का महुआव पंचायत में वर्षों से सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं योजना मद की राशि का निर्बाध गति से जारी लूट की जाँच और कार्यवाही के लिए सीएम से प्रधानमंत्री तक आवेदन लिखे गए। अनेकों बार प्रदर्शन भी किया गया, जहां जांच के नाम पर औपचारिकता और खानापूर्ति की जाती है। मनरेगा में लूट के जारी खेल को जांच पदाधिकारी ने उजागर किया है, जहां कहा कि मनरेगा में वैसे लोगों को जॉब कार्ड बनवाया गया है जो कि अपने घर के दरवाजों से कभी बाहर काम के लिए निकलते ही नहीं है। वह पक्के मकान वाले सुखी और संपन्न लोग हैं, जिसके बारे में जांच प्रतिवेदन दिया गया, मगर कोई कार्यवाही नहीं होने से लुटेरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसी तरह से महुआ पंचायत वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना में सरकारी राशि में लूट मची हुई है, जिससे कोई भी पदाधिकारी अनभिज्ञ नहीं है। सरेआम नल जल योजना से खेतों की सिंचाई, पटवन और मछली पालन हो रहा है। महुआ पंचायत की जनता ने सोशल मीडिया व समाचार पत्र के माध्यम से औरंगाबाद जिले के सभी पदाधिकारियों से समुचित कार्यवाही की मांग की है, मगर विगत 20 वर्षों से निर्बाध गति से खेल जारी है और जिला प्रशासन का कद ऐसे लुटेरे जनप्रतिनिधियों के सामने छोटा पड़ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराट 24 न्यूज के लिए औरंगाबाद से अनिल कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है जी। आप क्या करते हैं? अभी हम वर्तमान पंचायत समिति कुटुम्बा प्रखंड के अम्बा पंचायत से नवनिर्वाचित सदस्य हैं पंचायत समिति का जी, और जिला लोजपा उपाध्यक्ष भी हैं जी। जिला में लोजपा का उपाध्यक्ष जी जी, और कुटुम्बा प्रखंड का लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं हम। कुटुम्बा प्रखंड क्या है? लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष हैं जी। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि हमने जब से चुनाव जीता है, एक शराब के प्रति हमने एक मुहिम छोड़ रखा है कि शराब बिल्कुल बंद हो जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बिहार में शराब बंद है, और उसका हम लोग जब चुनाव जीते थे तो शपथ भी लिए थे, और उसी पर हमने मुहिम चलाया है कि शराब बिल्कुल बंद हो। हमने पूरा गांव के अपना ग्रामीण या क्षेत्रीय जनता को भी सारा को घूर घूर के मना किया है कि कहीं शराब नहीं बेचना चाहिए। जनता भी उपस्थित है, आप इससे पूछ सकते हैं, समझ गए कि नहीं। और कहीं कहीं हमने दारू को वीडियो बना के भी थाना अध्यक्ष को भी बताया, समझ गए कि नहीं, कि देखिए शराब बिक रहा। तो थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार अपने मैंने निगरानी में समझिए कि अवैध शराब का धंधा खुलेआम करा रहे हैं। यहाँ तक कि थाना के 100 मीटर के दूरी पर आजाद बीघा, देवची बीघा, खुलेआम आप जाइए और दिन में शराब का नज़ारा देखिए, कैसे वहाँ पियाकी होता है, कैसे शराब बिकता है, समझ गए कि नहीं। इनको कहने से कोई करवाया और उल्टा हम पर झूठो धमकी दिलवाते हैं। अजीत पांडे हमारे ही मतलब करीबी हैं, उनसे बताए, एक वार्ड है अनिल कुमार उससे बताए कि तुम लोग उसको बता देना कि उसको फंसा देंगे, अगर साथे रहेगा तो तुम लोग कहीं फंसाएंगे। हमने एक गांव का सोना बीघा का एक दारू भी पकड़वाया वीडियो के माध्यम से, समझ गए कि ना, न्यूज़ पर डाला, इसके बाद वो शराब में गया, उसको इन्होंने उकसाने का काम कर रहे हैं कि इस पर हरजन एक्ट कर दो, एसटी का मुकदमा ला दो, इसको फंसाओ, जो होगा खर्चा हम देंगे, बाकी हम देख लेंगे। ये हमारे थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार का मतलब ही कहना है, समझ गए कि नहीं। अब बताइए कि हम प्रतिनिधि सरकार के द्वारा मन चलाया गया अभियान का मुहिम छोड़ रखे हैं, और उस पर ही बताइए कि हमका हमरा मतलब उल्टा और धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में आपने किसी को कोई आवेदन लिखा है? हाँ, आवेदन लिखा है हमने, महानिदेशक पटना लिखे हैं और एक मध्य निषेध पटना, दो दो आवेदन हमने कर चुके हैं, हमारे पास सारा उसका छाया प्रति है। इसके बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? दो बार पटना के जाँच टीम भी आई, हमसे फोन पर बात हुआ, हम थे नहीं यहाँ पर, बोले कि सब आप जहाँ जहाँ आवेदन लिखे थे सगरों मारे, कहीं शराब नहीं मिला। हम कि हम आते हैं कहाँ नहीं मिल रहा आपको, थाना के बगल में हम दिलवाते हैं शराब, कहते नहीं मिलता है। तो चलिए ठीक है, ठीक है, जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके चले गए।